वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, जो आपां सवाल जवाबा दी लड़ी गुरमत अनुसार शुरू कीती हुई है, जो गुरमत दे 100 सवाल ने, उना दे विच आपां आहिस्ता आहिस्ता अज पहुंचे हां 53 नंबर सवाल ते। अज दा सवाल है, लंगर दा की भाव है, पंगत दे की अर्थ हन, प्रसाद पंगत में छकना क्यों जरूरी बनाया गया है। ये कुछ एक विचार हैं जो आपां सांझे करांगे। आओ आपां शुरू करिए। लंगर फारसी का लफज है, जिसका मतलब है वो कुंडा, लोहे का वजनदार कुंडा, जिसनू पानी में सुट के जहाज नू ठहराया जाता है। समुद्री जहाज जो हैं उन्होंने चलदिया चलदिया ठहराने वास्ते जो कुंडा लंगर सुटिया जाता है उसनू लंगर कहते हैं। इसे असी भी लंगर पौना कहते हाँ, ना के लंगर छकना। लंगर पौना कहते हाँ, ना के लंगर छकना। प्रसाद छकना होंदा है। लंगर पौन का हुक्म गुरु महाराज ने इसे लिए दिता है कि जिमें समुंदर विच तुरदे जहाज नू रोकण लई लोहे का कुंडा पा के रोक लिया जाता है, ते कुछ मूह च पा के अगे फिर तुर पैंदे हन। इसे तरह संसार सागर विच शरीर रूपी जहाज नू चलांदे होए उधर पूरना लई लंगर पौना जरूरी है, अते मंजिल वल तुरी जाना है। छकना छकाउणा, खाओ पियो करो आनंद, जा ए जग मिठा अगला किन डिठा, अते बाबर बे ऐश कोश आलम दोबारा नेश दी चाल नहीं पकड़नी। बाबर बे ऐश कोश आलम दोबारा नेसत दी चाल नहीं पकड़नी। लंगर दा सुबंध लोहे नाल है, इसलिए लो लंगर भी असी कहते हाँ। जो लंगर का कुंडा हुंदा है बनिया होया वह लोहे का हुंदा है। पंगत का भाव है एक कतार विच बैठ के प्रसाद छकना। ऊच नीच, अमीर गरीब, काले गोरे, बड़े निक्के का अंतर मनो गवा लंगर पौना है। ये नहीं शक करनी पेक ऊच है नीच है। पातशाह ने लंगर दी प्रथा चला के ऊच नीच दा जो कोड सी उसनू खत्म कर दिता। गुरु प्यारियो, हिंदुस्तान खाण पीण दी पेट बहुत मंदा सी, ते खास कर प्रसाद छकण वेले चौका जरूर पौंदा सी। इथों तक के एक मां दे जाए भी घर दे विच जी जो रहिंदे सन ओ चौका पा लैंदे सन, ते पानी त्रौंक के कार कढ लैंदे सन। एक लाइन बना दिंदे सन, चुल्हे भी अलग अलग सन, 9 कनौजिए 10 चुल्हे, ता हुण तक अखाण प्रसिद्ध है। नजर पै जाण नाल पेट चंबड़ जांदी है। दा सिद्धांत कई मत मनदे हन, पे जे लंगर नू नजर लग जांदी है ते पिटी जांदी है। भाई लालो ने जद गुरु नानक देव जी लई अलग चौंका लाया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा सी, लालो सारी धरती ही मेरा चौंका है, जिस सच पछाण लिया ओ सुचा है। जिसने सच पछाण लिया ओ सुचा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु प्यारियो सिर्फ ते सिर्फ लालो नू ही संबोधन करके गुरु पातशाह ने शब्द उचारे हन। पाप की जांजले काबलो ताया, जोरी मंगे दान बे लालो। गुरु अमरदास जी ने ता हुक्म दे रखिया सी के कोई उना दे दर्शन तक नहीं कर सकदा जद तक पंगत विच बैठ के लंगर ना पाए। आपू तीजे पातशाह सिख संगत सब संग लै चौके मैं आवे, आश्रम वर्ण विचार ने एक पंगत बैसे,
इको पंगत दे विच बैठ के प्रशादा छकदे। इथो तक के एक बारी बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अमरदास जी पातशाह नूं कहा, कहन महाराज तुसी आप संगतां नूं तरह तरह दे पकवान छकांदे हो, पर आप तुसी अलूणा ओगरा छकदे हो। सत अनाज रला के उहनां नूं सिर्फ उबाल लैणा अलूणा, ना उस नूं कोई तुड़का लाउणा, ना उस दे विच कोई लूण पाउणा, ना उस विच कोई घिओ पाउणा। पातशाह ओहो ही छकदे सन गुरु प्यारी साध संगत जी। ते जो बस्तर पहनदे सन, बस्तर सफेद पहनदे सन, ते कोल बस्तर कोई नहीं सी। सवेरे जेड़ा बस्तर पहनदे ओ दूसरे दिन किसे लोड़वंद नूं दे दिंदे। फिर होर संगतां बस्तर लै आउंदियां ते नवां बस्तर ही रोज पहनदे सन। चतर बरन एक देग आहारा, एक सम सेवै तर ओ प्यारा। चतर बरन एक देग आहारा, एक सम सेवै तर और प्यारा। आनंदपुर साहब विच कोई अपना निजी चुल्हा नहीं सी हुंदा, कोई रख नहीं सकदा सी। कलगी धर ने हुक्म दे रखिया सी, पंगत विच बैठ लंगर छको, किसे नूं सवाली रहन नहीं दियो, किसे नूं सवाली रहन दियो। बा हमराए सुफराए पुरशां खुरे, अमरनामा विच अंकत है, कलगी धर दा बचन है। चौके दा भरम ना करो, जद प्रसाद तैयार होवे ता दिलों कहो अरदास करो के कोई तलबतगार आवे, लोड़बंद आवे। हे सच्चे पातशाह कोई ऐसा लोड़बंद भेज जो आके प्रशादा छके। आहार जरूर परोस के रख छड्डो, कोई हिंदू मुसलमान खालसा खुदियार्थी आवे उसनू आदर नाल छकावो। प्रेम स्मारक दे विच अंकत है गुरु प्यारे। गुरु के लंगर नू अज फिर बड़ा हथियार बना के बरतन दी लोड़ है। असी जो गुरपुरबां ते सिर्फ आप ही पंगता ला के पांदे हाँ चंगा है, पर होर चंगेरा होवे जो इस दिन अचेचा प्रेर के सब मजहबां दे सब वर्णां दे लोगां नूं असी नाल लिया के बिठाल के प्रसाद छकाया करिए। लंगर बरतौण समय नगारा बजाया जाना इस गल दा प्रतीक है कि उस समय बैरी भी आवे तां उस नूं भी प्रसाद परम मीत सम कर छकाया जावे, उसनू मी परम मीत समझिया जावे। ए गुरु पातशाह दे हुक्म ने इथो तक लिखिया है कि बचे तो आप खले हैं, जे बच जावे लंगर प्रसाद ता जो प्रबंधक ने आप छक लैण, नहीं ता नहीं। नहीं बचे तो आप खले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं। नहीं ता लंगर जे खत्म हो गया ते फेर छकण दी लोड़ नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी। लंगर दे बहुत उच्चे भाव ने। लंगर एक सुची किरत है, लंगर एक बहुत बड़ा बरतारा है जो सारी दुनिया दे विच बरताया जांदा है। अज कोरोना दे काल दे विच जो सिख धर्म दे अनुयायी हन, गुरु नानक दे बच्चे हन, उन्होंने सारी दुनिया दे विच ऐसे लंगर चलाए, ऐसे लंगर चलाए, अपने समान दे लंगर चलाए, ऑक्सीजन दे लंगर चलाए, फ्रूट दे लंगर चलाए, प्रसादियां दे लंगर चलाए। इतनी सेवा साध संगत दी जो ए सिख कौम करती है, गुरु पातशाह दी इस ते रहमत है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जो ए यूट्यूब ते चैनल गुरमत सां डॉक्टर शपाल सिंह देखते दे हो, इस नूं लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सबसक्राइब जरूर कर लेना। आप जी अगे हाथ जोड़ के बेनती है ताकि जितने भी अपने सबसक्राइबर बच जान, उन्हां नाल अपने सुन बड़े की गिणती होर बच जाती है। अगे तो अगे सबसक्राइब करना, सब नूं नां दसना गुरमत सां डॉक्टर शपाल सिंह। आप जी की अतवंत मेहरबानी होगी। आप जी का बड़ा बड़ा मेरी बेनती है, ये मेरा फर्ज है बेनती करना, ते आप जी का भी फर्ज जरूर है उस बेनती नूं स्वीकार करना। होया फुल्लां दी खिमा करना जी, बख्श लेना अगे वास्ते समत बख्शनी, सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।